कैनन का एक प्रिंटर आया है जिसमें P03 ईरर कोड है, जी सीरीज 201 है। पेपर जाम एरर हो रहा है अभी। इसका जो है गियर बॉक्स खराब है इसका, ये रिप्लेस करना पड़ेगा। देख लीजिए हो गया, कैन का ओरिजिनल पार्ट्स यही लगेगा। ठीक है ना, ठीक है, दिखा रहे हैं अभी। अब खोलना पड़ेगा पूरा प्रिंटर। भी रात प्रोसेस है गियर बॉक्स लगाने का। अब अपने खुद से भी गियर बॉक्स लगा सकते हैं। हम दिखा देते हैं, एक और प्रिंटर है कैनन का, यहाँ पे 3000 है मॉडल कहते हैं, सेम जितना भी मॉडल हम बताएंगे कल। ये जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले खाली चेंज रहता है, फैसिलिटी बस डिस्प्ले पे अलग अलग रहता है, इसलिए मॉडल चेंज है। अंदर में जो भी सामान है इसमें और जो मॉडल हम बताएंगे सब सेम रहता है। आप उसी तरह गियर बॉक्स चेंज कर सकते हैं। एक आता है 2000 मॉडल का, एक आता है 3000 मॉडल का। हम पहले भी दिखा दिए वीडियो में, एक 2010 आता है, एक 2012 आता है जो आपके सामने प्रिंटर है, एक 3010 आता है, एक 3012 आता है। किसी में वाईफाई आता है, किसी में विदाउट वाईफाई, किसी में डिस्प्ले है, किसी में डिस्प्ले नहीं है। सेम प्रोसेस है गियर बॉक्स बदलने का। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब पहले आप, फिर स्क्रू है दोनों का ओपन करना पड़ेगा आपको। देख सकते हैं किस तरह से किया जाता है। यहाँ एक लॉक रहता है अंदर में, खुल गया है। इधर भी लॉक है, बड़े इधर भी लॉक है अंदर में छोटा सा, आपको दिखेगा नहीं वीडियो में। ये स्कैनर केबल है, पैनल केबल है, दोनों को निकालना पड़ेगा आपको। वहां पर लॉक रहता है। देखिए इसको खोलना पड़ेगा, इसको एग्जिट करने के लिए। ये हो गया और ये भी हो गया, खुल जाएगा ऐसे। और फिर इधर लॉक रहता है, कैमरा इधर चलिए, इधर और इधर रहता है। इसे ध्यान रखिएगा, इधर खोलिएगा अंदर, स्क्रू ड्राइवर पिंकी फूटने का डर रहता है। ठीक है, और इधर वाला भी सेम प्रोसेस है। इसको भी ऐसे 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 करना है, खुल गया इधर ऐसे, और इधर भी वही सेम लॉक है, खुल गया आपका। ठीक है, अब है चार गो स्क्रू खोलना होगा आपको। देखिए एक खोलिया, अब दो इधर है, ठीक है पीछे, ठीक है यहाँ खोल गया। ठीक है, अब हो गया। ये है डोर सेंसर केबल को डिसकनेक्ट करना होगा आपको। डिसकनेक्ट हो गया, अब कैप सब को आप ऐसे उठा दीजिए, ये ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है, इधर वाला भी क्या पैसे उठा दें, और ये वाला लॉक जो है आपको उठा के रखना है, इसे उठ गया। ठीक है, इधर हो गया, और इधर भी ऐसा ही रहता है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ यहाँ दिखाइए कैमरा, यहाँ है ये वाला लॉक, हो गया खुल गया। अब इसको ऐसे उठा लीजिएगा, उठ गया। ठीक है, अब जो है हमको गियर सेक्शन खोलना है ना। ठीक है, खोलना है सबसे पहले ये स्क्रू को खोलना होगा। ठीक है ना, देख लीजिए ये वाला खोलना है, ठीक खुल गया। ठीक, अब जो है इसको ऐसा घुमाया जाए, ठीक है, यहाँ सेंसर को खोलना है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब जो है इसको डिस्कनेक्ट करना है, ये सेंसर केबल को, 5 पिन वाले को। ठीक, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसको लॉक को जो है ऐसे उठाना है, हो गया। ये भी खुल गया, ये भी ऐसे करके ऐसे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये भी खुल गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद इधर का इधर पूरा दोनों ये सब जो केबल है इसको डिस्क डिस्क देख लीजिए,
पावर वायर हो गया और ये हो गया मोटर वाल पेपर फिटिंग, ये है कैरेज मोटर, ठीक है हो गया। आप इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लीजिए ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग, ठीक है। ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ लॉक है, देखते हैं इसको उठाना है, ये मैं खुद खुद खुल जाएगी, ठीक है ठीक है हो गया। अब दोनों को है निकाल लेना है, दोनों है तीन तीन फुल लिया आपने, ठीक है। अभी ना आइए, यहाँ इधर आइए, ये पर पिंचे रबर का, ये बारी बारी से इसको दबा दबा के चार रहता है, निकाल लेना है, ठीक है निकल गया, ठीक है। अब इधर है दो पिंच है, देखते ये है अब मेन वाला, ये यहाँ है देखिए, ठीक खुलिया, इसमें 62 भी रहता है, इसे कोई आप रख लीजिए। अब बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे उठा लेना इसको, ठीक उठ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे रख लीजिए, ठीक है हो गया। इधर ये सेंसर नहीं है, पर फिर सेंसर है, ठीक है। इसको आप हल्का सोनार कैसे निकाल लीजिए, ठीक है गया। अब है ऑटो सीट फीडर निकालने की बारी, पेंच खोल ऑटो सीट फीडर बाहर हो जाएगा, एक दो तीन, यहाँ तीन, चार फेस में उठ गया, ये उठ जाएगा, लेकिन थोड़ा ये कैप ब्लेड का जो है कवर, इसका भी पाइप डिस्कनेक्ट करने के लिए हमको खोलना पड़ेगा। खुल गया, खुल गया, ये अब है, इसे उठा के इसको जो है देखिए, एक पाइप हो गया आपको, ये ब्लैक का हो गया, ब्लैक का हो गया आपको लेफ्ट राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कलर वाला हो गया, ठीक है ये याद रखना, ठीक ना। ये ऊपर वाला हो गया आपका ब्लैक, और ये नीचे वाला कलर हो गया, ठीक है। यही है खराब है कस्टमर का, ठीक है ना, न्यू गियर बॉक्स, हाँ थोड़ा सा ये देख लीजिए, न्यू गियर बॉक्स है, ठीक है ठीक है। इसको है देखिए, यहाँ रख लेना है घाट में, बैठ गया, ठीक है बैठ गया। अब इधर है पाइप, पाइप के बारे में बताए, पाइप जो है नीचे वाला पाइप जो है ये इधर लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा, ठीक है। कलर वाला हो गया, ये हो गया ब्लैक वाला, ठीक है ठीक ब्लैक वाला हो गया, ये ब्लैक राइट साइड में हो गया, ठीक है ये लग गया, ठीक है अब हो गया बैठ गया है। अब ये हो गया कैप ब्लेड कवर हो गया, इसको भी आप रख के तो टाइट, दो ठीक तीन तीन चार चार पाँच पाँच वो लग गया, ठीक है। अब छठा पेच यहाँ लगेगा, लास्ट पेच, ठीक है ये हो गया आपका टाइट, ठीक है। अब सबसे पहले हमको है सेंसर बैठाना होगा, ठीक है देखिए ये जो है सेंसर इसमें घुस जाएगा, ठीक है ओके यहाँ है इधर देख लीजिए, ये वाला है गुटका, इसको है ऐसे पुश करना होगा, बैठ जाएगी, ठीक है हो गया। अब सबसे पहले है इसको देखिए, बिल्कुल ऐसे इसको हल्का स्टेरा कर दीजिए, ठीक है। और ये वाला जो है इधर इधर ओके ये वाला है, इसमें घुस गया, ठीक है ये हो गया, ये हो गया लग गया, ठीक है।
अब सबसे पहले हमको पेंच स्टार्ट करना। ये वाशर लगेगा इसमें, वाशर स्प्रिंग तो ये मैग्नेट होना जरूरी है आपके स्क्रू ड्राइवर में, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा। चार स्क्रू यहाँ ऐसे लग गया, ठीक है। उधर पुश कीजिए और इधर आइए थोड़ा। ये जो है ऐसे लगा रहे हैं तो उधर घाट रहता है, देख लीजिए वहाँ, देखिए है ना, वहाँ इस घाट में आकर रखा जाता है। यही लग गया अब आपका, सेम प्रोसेस सब में है। यहाँ भी हो गया, तीन चार सबसे पक गया। अब मोटर का वायर सेट कर लेते, देख लीजिए ये गोलकंड वाला है मैग्नेटिक, इसको लगा देना है। और यहाँ 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 हाँ ये ऐसे हो गया, ऐसे ही पैक ऊपर रहेगा, ठीक है। ये इधर से घूमो, ठीक है। ये वाला यहाँ इसमें लग गया, ठीक है, और ये वाला इसमें लग गया, ठीक है। ये हो गया रेड वाला कैरेज मोटर का हो गया, पेपर फीड मोटर का हो गया, ठीक। और सब, और ये वाला है पाइप, देख लीजिए ऐसे लगेगा, और ये पाइप इसमें ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये वेस्टेज इंक बाहर फेंकता है वाला, इसको पुश कर देना हो गया। और यहाँ भी सेम प्रोसेस, ऐसे देख लीजिए हो गया। ये इसमें लगा देना है पावर वाला, पावर। ये हो गया वाइट वाला, आपको कैरेज मोटर वाइट वाइट वाला में लगा दीजिएगा, हल्का डीप है, ब्लैक वाला में लगेगा, ठीक है। और यहाँ हो गया फर्स्ट कैरेज वायर है, फिर वायर भी कर सकते हैं आप। ये भी लग गया, इसको पुश कर देना है। ये भी हो गया, और अब ऐसा सेंसर ठीक करना है। यह सबसे ठीक लग गया, ठीक। इसको इसको घाट में फंसा दीजिए, ठीक है। अब जो है यहाँ इसको रखिए, लग गया, ये यहाँ फंस गया, इधर हो गया, ठीक। अब है इसको फंसाने की बारे, यहाँ दिखाइए, यह है फंस गया। अब है इसको पकड़ के पुश करना है, हो गया, ठीक है। जो है आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो हो गया, लग गया, हो गया, सब हो गया, बस आपका ऐसे रख देना है, सिंपल है, हो गया। और इधर है ना, इसको जोर से दबाना, लग गया, फंस गया, ठीक। और इधर वाला भी है इसी तरीका, फंस गया लॉक आपका, ठीक। अब है ये डोर से इसको, ये इसमें लग गया, ठीक है, हो गया। अब रबर अब इसमें पेंच लगाना है, चार, एक, और इधर घुमा दो, तीन, चार, हो गया। ये दोनों घाट जो है आपको इसमें इसमें आएगा और ये फंस जाएगा, इसलिए इसको ऐसे करके ऐसे पुश कीजिए, हो जाएगा, ठीक। आइए घाट ऐसे, ठीक है, इसे घुस गया, इसको ऐसे लग गया, और ये ऐसे, ठीक। और ये भी वही प्रोसेस है सेम,
यहाँ भी दो रहता है, ठीक है, लग गया। अब हो गया फाइनल। अब है थोड़ा स्कैनर। स्कैनर लगाने की, यहाँ इधर इधर इधर, इसमें लुका देना है। यहाँ लॉक देख लीजिए, ये लॉक है आपका, ये वाली, ये इसमें पुश हो गया, इधर भी पुश कर, दबा के हो गया, लग गया। और ये घाट इधर फंस गया, हो गया। तब ये यहाँ लगाना है, स्किनर वायर लग गया। अब ये पावर वायर लगेगा, देखिए, ठीक है, लग गया। अब हम सारा सेटअप हो गया, अब इसमें लाइन देंगे, ख़त्म। तो टेस्ट कर लेते हैं, फिर ढक्कन लगाएंगे। खत्म हो गया, अब हम पेज निकालते हैं, ठीक है। टेस्ट पेज के लिए है, यहाँ लास्ट वाला दबाना था और ब्लैक दबा देना। टेस्ट पेज का टाइम लगता है, फर्स्ट बार देख लो। पेपर ले लिया, हो गया, इसका आ गया, देख लीजिए, हो गया। लगाना है लीजिए, ये वाला लॉक देख लीजिए, ये बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं। देखिए ये दोनों लॉक दिख रहा है ना, इसमें लगाइए इधर, ठीक है, ऐसे, और इधर ऐसे मार दीजिए, लग गया, ठीक। और इधर वाला का भी सेम प्रोसेस है, ये दोनों घाट है, आप इसमें कीजिए और मार दीजिए, लग गया, ठीक है। और तो लगाना है यहाँ, यहाँ देख लीजिए, ये घाट सब दिख रहा, उसको बिल्कुल इस तरह से रख देना है, हो गया, ठीक है। देखिए,